अस्सलाम वालेकुम, आई एम तलहा अहमद, रोल नंबर 07 फ्रॉम सेक्शन ए। आज हमने ये टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, जिनमें मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी है, एनिसोट्रॉपी इन क्यूबिक क्रिस्टल, एनिसोट्रॉपी इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल ओरिजिन ऑफ एनिसोट्रॉपी। तो पहले हम देखते हैं मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या होती है। मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी एक ऐसा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है एमएच कर्व को एंड हिस्टेरेसिस लूप को। तो ये एक क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी एक किसी भी मटेरियल की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बाय डेफिनेशन इसको देखें तो ये एक अपोजिंग फोर्स होती है जो कि अपोज करती है मैग्नेटाइजेशन को। जब हम फील्ड हमने अप्लाई करते हैं तो फील्ड अप्लाई करने की वजह से जो डोमेन्स हैं उन्होंने अलाइन होना होता है। तो लेकिन ये एनिसोट्रॉपी जो है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी इन डोमेन्स की अलाइनमेंट को अपोज करती है। टाइप्स इसकी इनमें हमारे पास शेप एनिसोट्रॉपी है, स्ट्रेस एनिसोट्रॉपी, एनिसोट्रॉपी इंड्यूस्ड हम करा सकते हैं तीन मेथड से, लास्ट पे एक्सचेंज एनिसोट्रॉपी। एनिसोट्रॉपी इन क्यूबिक क्रिस्टल्स की अगर हम बात करें तो आयरन की हम एग्जांपल हम यहाँ पे कोट करते हैं। बीसीसी स्ट्रक्चर है आयरन का, और उसके लिए हमने देखा कि जब हमने आयरन के तीन डिफरेंट सेट ऑफ प्लेन्स पर मैग्नेटिक सेट ऑफ प्लेन्स पर फील्ड अप्लाई किया तो फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या था कि 100 पे सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव हो गई फील्ड लो फील्ड की वैल्यू पे, फील्ड की लो वैल्यू पे, और बाकी दो एक्सिस जो थे उन पे फील्ड की ज़्यादा वैल्यू हमें अप्लाई करना पड़ी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव करने के लिए। तो ये जो है आयरन के लिए 111 हार्ड एक्सिस होता है और 100 इजी एक्सिस होता है। तो जब हम इजी एक्सिस के अलोंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है, कम हमें एनर्जी लॉस होता है और जल्दी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव हो जाती है। मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं और लास्ट पर हमारे पास सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो है वो अचीव हो जाती है। अब यहाँ पर एक फैक्टर ये होता है कि जो डोमेन्स हैं उनके लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है, उनको इजी होता है अलाइन करवाना, लेकिन डोमेन वॉल्स को डिफ़िकल्ट होता है अलाइन करवाना। तो इन अलाइनमेंट के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसके लिए हम इस फार्मूला से उसकी वैल्यू देख सकते हैं। तो ये जो हमें वर्क करना पड़ा है ये वैल्यू इनके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब अगर एंगल हो एम और एच के दरमियान एंगल 0 डिग्री का हो तो हमें जो वर्क डन है वो मिनिमम वर्क डन करना पड़ता है। ईपी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आती है, और लेकिन अगर इनके दरमियान एंगल 180 हो, ऑपोजिट हो दोनों, तो हमें मैक्सिमम वर्क डन करना पड़ता है, ईपी की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है उस केस में। देन है कि अगर हम किसी एंगल पे अप्लाई करें, अब हम यहाँ पर 45 के सपोज हमने एंगल पे अप्लाई किया फील्ड, तो क्या होता है कि जो डोमेन्स हैं अलाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर हम देखते हैं कि सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव हो जाती है। इस कंडीशन में जैसे जैसे हम फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं मैग्नेटाइजेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। अब क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी जो है वो फोर्स है जो इसको अपोज करती है, जो इस अलाइनमेंट को अपोज करती है, और इस फोर्स के अगेंस्ट, क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना पड़ता है अलाइनमेंट इन डोमेन्स को अलाइन करवाने के लिए और मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी के अगेंस्ट हम फोर्स लगाते हैं, वर्क करते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करने के लिए। निकल के केस में अगर हम बात करें, निकल और आयरन के केस अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निकल के लिए जो अब इजी हार्ड एक्सिस है वो 100 है, और हमने देखा था कि आयरन के केस में इजी एक्सिस था 100। अब आयरन के लिए इजी एक्सिस 100 है और वही एक्सिस निकल के लिए हार्ड एक्सिस है। तो ये अब जो प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपी जो है, अब ये डायरेक्शन अब जो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती हैं, हर मटेरियल के लिए इजी एक्सिस और हार्ड एक्सिस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। K1 और K2 की जो वैल्यूज़ हैं हर मटेरियल के लिए वो डिफरेंट होती हैं। तो हमें हर डिफरेंट मटेरियल्स को डिफरेंट वे से हैंडल करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम एक ही रूल से सब मटेरियल्स को हैंडल कर लें, एक स्टिक से हम नहीं उनको कर सकते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या है कि हर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनके लिए डिफरेंट K की वैल्यूज़ होती हैं और इनके ईजी एक्सेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पर E की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, या K नोट को तो हम निगलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती। फिर हमारे पास हायर टर्म्स को निगलेक्ट करने के बाद K1 और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बचते हैं। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो हैं ये कोसाइंस एंगल्स होते हैं जिन पर एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है। अब हम बात करें एनिसोट्रॉपी इन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हमें पता है कि जो वैल्यूज़ हैं ई की जो वैल्यू इजी एक्सिस, यहाँ पर तीन एक्सिस होते हैं ए बी सी, ए और बी इक्वल होते हैं, सी इक्वल नहीं होता।
अब यहाँ पर हमने देखा कि दो एक्सेस आ रहे थे कोबाल्ट की, जब हमने कोबाल्ट का सिंगल क्रिस्टल लिया, सिंगल क्रिस्टल वो होता है जिसमें सेम सेट ऑफ प्लेन्स हो, डी स्पेसिंग जो है वो सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम रहे, उसको सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। तो जब हमने कोबाल्ट का एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लिया तो हमने देखा कि 0001 जो था वो ईजी एक्सेस था और अप्रोक्सीमेटली 800 पे हमें सेचुरेशन अटेन हो रही थी हमारे लिए। लेकिन जब हमने उसका हार्ड एक्सिस देखा तो 10,000 फील्ड अप्लाई करने के बाद भी सेचुरेशन अभी तक अचीव नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटाइजेशन है और जो एनिसोट्रॉपी है वो किस तरह से डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पर अब जो एनर्जी की वैल्यू है वो डिपेंड करती है, एनई इज इक्वल टू के नॉट प्लस के वन साइन स्केयर प्लस के टू साइन स्केयर थीटा। के वन और के टू की वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, एनर्जी की वैल्यू के नॉट को हम जीरो ले लेते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है, और एनर्जी की यहाँ पर जो वैल्यू वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। तो जब हमने अब यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, के वन और के टू, के या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अमूमन जो यूनी एक्सियल क्रिस्टल के लिए दो के वन और के टू पॉजिटिव होते हैं, जब के वन और के टू दोनों पॉजिटिव हों तो उस कंडीशन में मैग्नेटाइजेशन या तो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस अलोंग सी एक्सिस होगी, सी के अलोंग होगी, तो उसको यूनी एक्सियल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन अब उसका जो दूसरा केस क्या हो सकता है कि अब अगर के वन और के टू पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इजी सी एक्सिस होगा, के वन और के टू दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट है तो इजी बेसल प्लेन जो है वो इजी होगा, बेसल प्लेन ये जो हमारे पास एंगल इसके दरमियान आ रहा है सी एक्सिस के जो परपेंडिकुलर ये जो प्लेन हमें नज़र आ रहा है ये बेसल प्लेन है, तो इस कंडीशन में ये होगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर जो एंगल अब उसके दरमियान बन रहा है वो के टू पॉजिटिव हो के वन नेगेटिव हो तो इजी एक इजी कॉन बनती है हमारे पास, और उसके अलोंग जो है वो इजी हमारे पास अगर उस कॉन के अलोंग हम फील्ड लगाते हैं, मीन्स यहाँ पर अब जिस तरह के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर कोई कॉन बन रही होती है और अगर उस कॉन के अलोंग हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो हमारे लिए इजी डायरेक्शन होती है। फोर्थ केस में क्या है कि जब यहाँ पर अब के वन जो है वो पॉजिटिव हो और के टू नेगेटिव हो तो इसके लिए हमारे पास 0 और 90 डिग्री के एंगल आ जाते हैं जो कि इजी डिग्री होते हैं, इजी एक्सिस होते हैं। लास्ट वन है फिजिकल ओरिजिन ऑफ क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी। हम बात करते हैं कि क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी जो है वो एक इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन अब अगर देखा जाए कि तो प्रोड्यूस कहाँ से होती है, हमने ये तो बोल दिया कि इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी है लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस हुई है, इसका ओरिजिन क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पिन, अब कपलिंग अगर देखी जाए तो स्पिन ऑर्बिट और लेटिस किसी भी आपके पास जो मटेरियल है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे स्पिन कर रहे होते हैं, उनकी स्पिन मोशन होती है। फिर हमारे पास ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं, और फिर ये मिलकर सब एक लेटिस बना देते हैं। लेटिस की डायरेक्शन जो हैं वो फिक्स होती हैं, लेटिस जो है किसी मटेरियल के लेटिस चेंज नहीं होता, ठीक है, लेटिस वो फिक्स होते हैं। तो अब यहाँ पर तीन तरह फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिन है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल मोशन है और क्रिस्टल सिमेट्री है, तीन फैक्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम देखें स्पिन जो लैटिस और स्पिन की जो इंट्रैक्शन है वो वीक इंट्रैक्शन होती है, फिर अगर स्पिन स्पिन इंट्रैक्शन देखी जाए स्पिन स्पिन कपलिंग तो वो बहुत वीक होती है। इस तरह स्पिन और लेटिस ऑर्बिट जो कपलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और लेटिस को रीओरिएंटेड नहीं होता तो ये भी अफेक्ट नहीं करती, लेकिन स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग है हम फिर ये यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो इसकी जिम्मेदार है और एनिसोट्रॉपी की जो रिस्पॉन्सिबल है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक फैक्टर है वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी का। तो यहाँ पर इसके अलावा भी फैक्टर्स हो सकते हैं लेकिन अभी तक हमें उन फैक्टर्स के बारे में आइडिया नहीं है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एनिसोट्रॉपी जो है वो हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स के वन और के टू की मैग्नीट्यूड्स हम उसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। अब यहाँ पर देखें एक एग्जांपल है कि हम अगर निकल में आयरन को ऐड कर देते हैं, निकल का एक FCC स्ट्रक्चर होता है, अगर हम उसमें 25% आयरन ऐड कर दें तो अब इसमें देखें किस तरह प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं कि अब उसका इजी एक्सिस जो है आयरन निकल का इजी एक्सिस सिर्फ 25% आयरन ऐड करने से 111 से शिफ्ट होके 100 में हो गया जो कि आयरन का इजी एक्सिस है। तो अब हमने देखा कि आयरन 25% हमने सिर्फ ऐड किया, उसका स्ट्रक्चर वही रहा लेकिन उसका इजी एक्सेस जो है वो चेंज हो गया आयरन ऐड करने से।
इस तरीके से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को जब हम मटेरियल को डिफरेंट में मिलाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती जाती है एनिसोट्रॉपी और एक टेम्परेचर पर ख़त्म हो जाती है जिसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।